नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन के इशारे पर सीमा क्षेत्रों में तनाव पैदा कर रहे नेपाल ने अब भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों पर विवाद पैदा शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर के भगवान गौतम बुद्ध को भारतीय कहे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें नेपाली बताया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से यह साबित हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल ने कहा कि बुद्ध की जन्मस्थली और बौद्ध धर्म की स्थापना से जुड़े स्थानों में से एक लुम्बिनी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में से एक है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सीधे अंदाज में नेपाल को करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल की आपत्ति पर पलटवार करते हुए कहा कि CII के कार्यक्रम में शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी ने हमारी साझा बौद्ध विरासत को संदर्भित किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने CII के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध दो ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है। वहीं नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता बिस्वा प्रकाश शर्मा ने भी भारतीय विदेश मंत्री के दावे का विरोध किया। उन्होंने नेपाली में ट्वीट करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। हमारे पास भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के खिलाफ ऐतिहासिक तथ्य है कि वो भूमि आज के नेपाल में है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम की अयोध्या को नेपाल के बीरगंज के पास होने का दावा किया था और अब नेपाल इसी आधार पर अपने यहाँ भगवान राम का मंदिर बनाने की बात भी कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।